नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है टुडे के हमारे न्यूज कार्यक्रम में। मैं कुमार अभिषेक फिर से हाजिर हूँ बेहद अहम न्यूज के साथ हमेशा की तरह। दरअसल एग्जिट पोल ने एक बार फिर से कह दिया है कि मोदी सरकार दोबारा आएगी सत्ता में और एनडीए की सीटें होंगी 300 से भी ज्यादा। जी हाँ, लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण की 59 सीटों पर हुए मतदान के साथ ही खत्म हो गया। मतदान के साथ ही चुनावी आचार संहिता भी खत्म हो गई और तमाम एग्जिट पोल्स सामने आ गए हैं। हालांकि अभी तक एग्जिट पोल के जो रुझान आए हैं उनके मुताबिक 2019 में एक बार फिर से मोदी सरकार बनने जा रही है, जिसमें अभी तक जिन चैनलों ने 542 सीटों के रुझान पेश किए हैं उनके आधार पर जी न्यूज के महा एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए को 308 सीटें मिलने का अनुमान है और यूपीए को 117 और अन्य को 117 सीटें मिलने का अनुमान व्यक्त किया जा रहा है। एग्जिट पोल टाइम्स नाउ वीएमआर की अगर बात करें तो बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए को अस्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। इसके मुताबिक एनडीए को 306 सीटें मिल रही हैं, जिसमें यूपीए को 132 और अन्य को 104 सीटें मिलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। हालांकि इसके मुताबिक यूपी में बीजेपी को सपा बसपा और गठबंधन के बावजूद बड़ी कामयाबी मिलेगी और राज्य की 80 सीटों में से लगभग 58 सीटों पर बीजेपी को कामयाबी मिलेगी। इसके मुताबिक गठबंधन को 20 सीटें मिलने का अनुमान व्यक्त किया जा रहा है। बता दें कि रिपब्लिक भारत सी वोटर में एनडीए को 287, यूपीए को 128, महागठबंधन को 40 और अन्य को 87 सीटें मिलने का अनुमान बताया गया है। इसके अलावा जन की बात में एनडीए को 305 सीटें मिलने का अनुमान व्यक्त किया गया है और इसी तरीके से इसमें कांग्रेस को 124 और अन्य को 113 सीटें मिलने का अनुमान, यानी कि जितने भी जो एग्जिट पोल्स के नतीजे आए हैं उसमें एनडीए सबसे आगे दिखाई दे रहा है और कह सकते हैं कि राहुल और प्रियंका का जादू नहीं चल सका है। और इसके बाद से कई सवाल भी खड़े होने लगे हैं कि क्या कांग्रेस ने यह गलती कर दी अकेले चुनाव लड़ करके, या क्या महागठबंधन में जो उनके अंदर जो फूट हुई, जो उनके अंदर एक एकता नहीं देखी गई उसका नतीजा है कि बीजेपी को यह लाभ हुआ है, और क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अपना ग्राउंड लूज कर रही है। ऐसे तमाम बड़े सवाल सामने निकल करके आ रहे हैं, उभर रहे हैं। एक तरफ जिस तरीके से पूरा विपक्ष देश में मोदी सरकार को हटाने के लिए एकजुट होने की बात कर रहे थे, कवायद कर रहे थे, वहीं देश की आम जनता ने राहुल गांधी के ऊपर प्रहार करते हुए कहीं ना कहीं ये जवाब देने की कोशिश की है कि चौकीदार चोर नहीं है और चौकीदार पर आज भी लोगों का भरोसा है। तो ये है एग्जिट पोल के नतीजे, जहाँ पे एनडीए एक बार फिर से सत्ता में आने के लिए तैयार दिख रही है। वैसे आपकी क्या राय है, कि आपको पहले से पता था कि ऐसा होना मुमकिन है, या फिर अगर आपको लगता है कि ये एग्जिट पोल के नतीजे उतने सही नहीं है, या जो भी, आप अपने कमेंट जरूर साझा करें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके। हम फिर से हाजिर होंगे ब्रेक के बाद कुछ अन्य न्यूज़ को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।